छोटे बच्चों से लेकर 11वीं 12वीं तक के विद्यार्थियों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता के लिए आए दिन कोई ना कोई बड़ा फैसला लेकर जनता को बड़ा तोहफा दे रही है। बीते 7 सालों में हरियाणा की मनोहर सरकार ने हरियाणा में विकास कार्यों से लेकर छात्र छात्राओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। आज भी सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम ने बताया कि 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत का आज सामान खरीदने पर बातचीत हुई है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। बहुत से डिपार्टमेंट्स की जो सामान खरीदने के टेंडर लगाए जाते हैं उसको हाई पावर परचेज कमेटी में हम लोग नेगोशिएट करके और जितना पैसा बचाया जा सके उसकी कोशिश करते हैं। आज कुल मिलाकर के 23 आइटम्स थी और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। वहीं हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के छात्र छात्राओं को तोहफा भी दिया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया कि अगले साल से 11वीं और 12वीं के छात्रों को हरियाणा सरकार टैब देगी, जिससे बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी। उल्लेख करने लायक कि हमने 5 लाख टेबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे, पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न दे करके हम अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं की क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे दो दो क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपए बनती है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर प्रदेश के किसानों के हित में फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की ट्यूबवेल लगाने की मांग को भी पूरा करते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन लगने को मंजूरी दी है। किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं और बहुत ही एक कंपटीशन पैदा करके और नेगोशिएट करके ये सारी चीजें। बीते 7 साल में हरियाणा सरकार ने हाई पावर परचेज कमेटी के जरिए कई बड़े फैसले लिए हैं और उन बड़े फैसलों को सरकार ने जमीनी स्तर पर भी पूरा किया है। अब देखना यह होगा कि अगले साल सरकार विद्यार्थियों को कितनी जल्द योजना का लाभ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फर्स्ट। खबरों में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।